वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अगर ये साइड का नाम मैं दिखाऊँ ना, अगर ये बोलूँ कि मैं बीच पे आ चुका हूँ तो आप लोग मान ही जाओगे कि हाँ बीच है। इस पे हेलीकॉप्टर में बैठते तो सीधा लैंडिंग हमारे घर कराता करा देता ना। तो अभी आप लोगों को दिखाते एकदम खतरनाक वाला कार जिसका कदरिया आ ही गया इस शुरुआत हम कर रहे हैं वाराणसी सिटी में आके। वैसे आए थे बहुत पहले, अब मतलब फिलहाल एक घंटा पहले आए हुए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर पे, उधर ही ब्लॉग करेंगे। मस्त क्यूट क्यूट लड़कियों का रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। हर रोज़ तो हम लोग पैदल जाते थे काशी विश्वनाथ घूमने के लिए, 30 रुपये बचते थे, लेकिन आज करण भाई बोल रहे हैं कि आज ऑटो से चलेंगे, क्योंकि एक दिन मैं गया था तो थक गया था, तो उसके वजह से मैं जाके पूरी रात और पूरी मतलब दिन और रात जाके सोया हुआ था घर पे। मैं तो भाई मतलब रात को सोया था 10 बजे के बाद, स्टेशन पे खुद ले जाके 10 बजे के बाद छोड़ती है ट्रेन, तो खाना खाने में सोने में 11:30 11:30 बज जाते हैं। कौन सी है, कौन सी है? आम का पन्ना है। आम का पन्ना, हाँ। बोला अभी भी तो ना मिलेगा कभी भी। और यहाँ पे यार भाई पहले पी पा किए जा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना तगड़ा में बजाते हैं ना, मतलब माथा एकदम गर्म हो जाता है। दिल का दरिया आ ही गया इस कभी बजा आएगा ना भिड़ो सुकून आराम से इतना सुकून। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाव पे, करण भाई को पता है नहाने का है, वो भी जाके उस पार नहाना है। वो रेत दिखाई दे रहा है ना, उधर की साइड जाके नहाना है। मैं जाएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, जाने वाला होगा। कितने रुपए लेंगे पूछिए तो। इतना तगड़ा वाला धूप है कि ऊपर का ये लगा हुआ पता नहीं क्या है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो फाइनली हम लोग घूमने जा रहे हैं उस पार जा रहे घूमने। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घाट के इस पार, जहाँ पे पूरा रेती रेत है। बोले तो इसको बीच में बोलूं, इसमें अगर पीछे ना उधर दिखाऊं तो मैं बीच में बोलूं, बीच जैसा है ना, पूरा बालू ही बालू है। अगर ये साइड का नाम मैं दिखाऊं ना, अगर ये बोलूं कि मैं बीच पे आ चुका हूँ तो आप लोग मान ही जाओगे कि हाँ बीच है, क्योंकि यहाँ पे बोट लगी हुई है तो बीच तो है ही है। गाइस यहाँ पे पूजा वगैरह हो रहा है, ये कैसे, ये देखो पूरा घाट का नजारा तो यहाँ से ही दिख रहा है पूरा। इस बैठने के लिए ऊपर बढ़िया वाला सिस्टम यार बना रखे हैं। कितने रुपए लेते हो? 500। एक पर्सन का 500, यानी दो जना का 1000 रुपया। चलिए बहुत बड़ा वाला बिल है। क्या हुआ भाई, क्या कुछ नहीं, मैं वीडियो बना रहा। कितना दूर घुमाते हैं, कितना दूर वीडियो क्यों बना रहे? ये देखो भाई, इसी ऊँट का 500 रुपये लिया जा रहा था जिसका मैं वीडियो बना रहा था, पूरा चौक में आ गया था। बोलो ना क्या बोलते, ऊँट वाला लड़का पूरा ही चौक में था। अब मार्केट से बाहर हम लोग जा रहे हैं। पहले तो अपना मोबाइल का ये जो कैमरा ग्लास है, तो मेरे जब कैमरे ग्लास पे स्क्रैच आता है ना, मेरे को लगता है मेरे दिल पे स्क्रैच आ रहा है, तो जा रहे कैमरे पे ग्लास लगवाएंगे। इधर से आए थे गाइस, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि इस तरफ से आए थे कि सीधा आए थे, हमको यार नहीं लगा था यार, हमको लगा था कि दूसरा है, क्योंकि हम लोग आए थे इस वाले से नहीं, ये वाला बीच में सब नहीं था। अब कौन सा वाला रूट से हम लोग जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही है। अभी बहुत घूमने के बाद बनारस दाल मंडी में पहुंच चुके हैं। उसके बाद यहाँ तो छपरी यार, बहुत यहाँ पे छपरी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, गजब है ये। ये मोबाइल रिपेयरिंग का बात, ब्यूटीफुल, कितनी ब्यूटीफुल है तुम्हें। आगे बहुत धन्यवाद, फिलहाल अपना ग्लास लग चुका है काफी तगड़ा वाला। गाइस जो है कि मतलब भीड़ भीड़ लगा है।
फिलहाल घुस चुके हैं भाई पार्क के अंदर। कौन पार्क वाला? राजनारायण, राजनारायण स्मार्क पार्क। तो इस पार्क में घुसे हुए देखते भाई हमको क्या ही अलग देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो म्यूजिक वगैरह बज रहा है, ट्रेन वगैरह, ट्रेन ये सब फ्री हुई ना आप दूसरे के बाद? नहीं, वो हम पैसा लगाते हैं। यहाँ पे देखो इतना धूप है, धूप में लोग झुलुआ खेला जाते हैं सर। धूप में काहे खेला थे सर इतना धूप में? खेले नहीं, क्या करे, धूप लग रहा है। हाँ हाँ, टिकट लग रहा है एकदम। 10 रुपए की जगह 12 रुपए का झूला खेलो, है ना भाई साहब? इस पार्क में मैं पहली बार आ रहा हूँ, पहली बार देखते हैं क्या होता है इस पार्क में यूनिक कुछ। गाइस ये देखो पार्क के अंदर का सीन है, यहाँ पे भालुओं के साथ बोलो तो ट्रेन ही चल रही है। ओ भाई, ओ भाई, ये देखो गजब। ये है पांडा ट्रेन और ट्रेन के अंदर टिकट 50 रुपया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। नंबर का एकदम इतना धूप है यार, इतना है मतलब टिकट? 50 है। किसका टिकट? ट्रेन। इसका ट्रेन का 50 रुपये कौन घूमेगा? उससे बढ़िया तो अपनी भैंसिया घुमा दे यार बढ़िया से। भैंसिया को खिला दे 2 किलो चोकर, ओकरा बाद बिंदास एकदम बैठा के घुमा। भाई साहब हम लोग देंगे 50 रुपये इस बैठने का इस ट्रेन पे, बच्चा सब बैठेगा, हम लोग का ही बैठेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई इसको एक बार खेत में लेके घुस जाओ और इसके ऊपर दो जाना बैठ। अरे ये क्या है, ये तो गर्दन काट देगा। हमें बाजीगर, सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे। असंती मेरी जान, आई लव यू क्यूटी बॉय। मैं इधर आ गया इस किसके पार्क में आ गया? जय नारायण, जय नारायण जी के पार्क में आ गया। देखो इस पार्क में आके ना एकदम मैंने 100% बोले तो एकदम बढ़िया, मतलब मजा आ गया है मेरे पार्क में आने के बाद। मेरे नहीं, मतलब यहाँ के पार्क में आने के बाद एकदम मजा आ गया। तो चलते फिरते हेलीकॉप्टर में बैठते तो सीधा लैंडिंग हमारे घर कराता है। अरे यार मतलब बैठो ना इस पे, लैंडिंग करवाते हैं, लैंडिंग करवाते सीधा घर पे। भाई ये देखो भाई कैसे ज्यादा इसका चूल मचा हुआ, ये अपने आप जाने की कोशिश में लगी हुई है। चलो बढ़िया। और बच्चे लोग दरवाजा खोल दिया, तेरी मम्मी को भी बोल दिया। ठीक है बढ़िया। हस्ती का बस्ती बॉय, हस्ती का बस्ती डायलॉग, हस्ती का बस्ती डायलॉग याद है का? मार दो एक बार हस्ती का बस्ती वाला। नहीं याद है। क्या बोलती? कंपनी कमाए ना बहुत मनी, इन सब साड़े को लग रहा है सब कुछ है बहुत। हाँ पेड़ी, एक को का है प्यार, एक दो का है दिल लगा सही जगह, एक और मौका है। वाह भाई वाह। लड़े तो हम बुरे हो गए, अभी नींद पूरी हो गई, अभी ख्वाब पूरे हो गए। अपने लिए लड़े तो हम नींद, अपने लिए लड़े तो हम बुरे हो गए, अभी नींद पूरी हो गई, अभी ख्वाब पूरे। अपनी नींद पूरी हो गई, अपने ख्वाब पूरे हो गए। क्या बोल दी कंपनी? वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। बैठ चुके हैं और भाई ये देख, वाह करण, करण आ गया मैं अर्जुन के साथ। तो अभी आप लोगों को दिखाते एकदम खतरनाक वाला कार, जिसका मतलब मैं फैन हो गया हूँ एकदम, मन तो कर रहा है इसको लेके चले स्टार्ट करके पूरे मार्केट में घुमा के आ जाए। ये इसके बाद सबसे भयंकर ये लग रहा है भाई, इसमें बैठ जाऊँ तो मजा आ जाए। हमारा वेट नहीं सह सकता है, नहीं तो हम इस पे बैठ के मजा लेते एकदम फुल पावर में। बच्चों के लिए है कि हम लोगों के लिए आप लोगों को मैं ट्रेन दिखाता हूँ। ये देखो ये हैवी ट्रेन, इस बुलेट ट्रेन नहीं मेट्रो है यार। चली चली लहरों से भरी तोरे नाम का ताज बना देंगे, मीठी मीठी मिस्र की डली तेरी रातों का चांद जगा देंगे। तो ट्रेन में बैठ के मेरे को यार मजा आ गया। आपका नाम सलोनी पड़ेगा ना, आपके भैया हैं? चलो बढ़िया, स्पेशली आपके लिए ना स्पेशली। भाई सलोनी बोल रही है ना, मैं ही बैठूंगी बस, आपको नहीं बैठने का। मैंने बोला ठीक है ठीक है, मैं उसने जाके बैठा। कार को बोलते हैं राम राम, कक्का राम राम, फिर कभी मिलेंगे, राम राम। गाइस मिलके सर से बहुत अच्छा लगा। वाराणसी सिटी के ये देखो सामने
तो बस आज के इस ब्लॉग वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद है, पसंद है तो लाइक करें, मजा क्या बोलते हैं, हाँ सब्सक्राइब कर दो, बस भूल गया, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच, बाय।